Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Ama Vishnu Padaya, Vishnu Prishthaya Bhutale, Dimate Bhavdi Vedanta Sami Nithina.

Hare Krishna, Hare Krishna, Hardy Krishna, Krishna Krishna Hare Hare Rama, Hare Rama

अयम सत्संग आज से हमें बड़ा जाना चेस्ट खबर आज मैं बोलने का प्रयास कर रहा हूँ हाँ अली मक फे मेरा आधा मुँह में पेरालाइज है सही जाना हमारा तो खासा आ ऑनलाइन पोस्ट ऑनलाइन इसलिए मेरी बात स्पष्ट नहीं हो सकती है आज थे आज थे बोल तो मैं आज আস্তে बोलूंगा ताकि अपना आगे सहज हो इस दौरान मैं धीरे-धीरे बोलने का प्रयास करूंगा ताकि आप सब समझ सकें आज के सादर भाषण में हमारा धन्यवाद प्रणाम और जुड़े

वो था ये ये अच्छा बैठ के जो अभी जो जो अभी बोल रहे थे हमको समझ में नहीं आ रहा रहा माइक का पर फेस हो रहा है इसलिए मैं सुन नहीं पा रहा था इस तरफ ए, कोई माइक नहीं, पा नहीं ठीक ही है आने, तो क्या ठीक बोल रहे थे कि नहीं मुझे पता नहीं अगर कोई गलत बोला तो मुझे पता नहीं ऐसा बात सुन से सुनने में ऐसा लग रहा था कि भक्तिपुर <laughs> भक्ति से महाराज जब प्रवचन कर रहे थे तो गुरु को ऐसा लगा कि मैंने उनको कष्ट दिया <laughs> ये इन्हीं ट्रांसलेशन कर चले गुरु महाराज के आचे ये प्रभु हाँ वोटा ही गुण वोटा ही विश्व ब्रह्मण समय मने अच्छे लोग आपने की कष्ट दिए थे हाँ वो ना अच्छे किचु ठीक वो ना ना है नहीं ऐसा लग रहा था कि कुछ शायद ठीक से नहीं बोला गया सही समय हमारा किचू साल किया थी साल ट्रैवलिंग समय हाँ सही समय ट्रैवलिंग है समय साल किया थी साल खाचा सलाद सा, सा, खाए थे लेटस और लेटस पत्ता का तो वहाँ आज जाएगी पास एक ही साग खाते खाचा <laughs> महाराज महाराज सोच रहे थे कौन सा साग है काचा साग क्या ना दीचे क्यों खिला रहे हैं कच्चा साग के से खे देख से हाँ मिस्टी हाँ तब खा के देखा है तो मीठा है ठीक है हाँ हाँ एक दिन प्रभु भार आम के बोल सन एक दिन प्रभु पाद को बुला बोल रहे थे जे हमारे प्रभु जाने पार्ट चलो प्रभपात ने हमको कहा कि मेरा पूर्व जन्म में भारत भारतीय था तो मैं मैं को बोला था कि मैं तो बहुत बड़ा पापी हूँ मैं कैसे भारतीय हुआ था आ, बार, बार। तो थोड़ा गंभीर हो गए और बोलने लगे अमन गुरुदेव का बात पे विश्वास नहीं कर रहे तुम मैं बोल रहा हूँ तुम भारतीय था विश्वास विश्वास करना चाहिए गुरुदेव आने से ठीक मैं बोल रहा हूँ ठीक बोल रहा हूँ प्रणाम शिक्षण तब मैं उनके श्री चरणों में प्रणाम किया, मैं में प्रणाम किया। एक दिन, आ कुछ दिन पहले मैं चिंता कर रहा था से हाँ मैं सोच रहा था कि सारे विश्व में हमारे अभी हजार हजार भक्त वृक्ष और नाम प्रतिष्ठा हुआ है इस विषय में स्लोप्र बोल रहे थे कि बांग्ला में जितने जितने भक्त वृक्ष है उसको मंदिर के पास में लेके आनेगा वो लोग तीन दिन आके मंदिर में रहेंगे देखो नाचे, तो प्रभुपाद ने कहा था कि सब लोगों को मंदिर में लेके आने का तीन दिन मंदिर में रहेंगे और देखेंगे कि हम लोग कैसे पूजा कर रहे हैं भोग लगा रहे हैं आरती आर्तिकेतन करें वो लोग सीखेंगे मंदिर में ए वाले आरा गांव में थोड़ा ठाने और थे उसके बाद वो लोग सीख के अपने गांव में वापस जाएंगे और वहां पर जो सीख के गए वही वहां पर वो लोग फिर से रिपीट करेंगे और वहां पर प्रैक्टिस करेंगे तो से विषय चिंता को चला तो मैं इसके ऊपर सोच रहा था ठीक करते मैं सोच रहा था ये और नामड ये और के द्वारा क्या-क्या प्रतिष्ठित विग्रह आठ मंदिर चाहे कलकत्ता हो चाहे मायापुर वहाँ पर प्रतिष्ठित विग्रह है आ, चाहे चार्ट, चाहे चार्ट

तो ऐसा आते कहा तो कुछ हो इतना आरती गृहस्थ भक्त नहीं कर पाएंगे किंतु था प्रसाद विरखा से नहीं हो तो लेकिन विग्रह के पास प्रसाद निवेदन कर सकते हैं भोग निवेदन भोग निवेदन कर सकते हैं प्रसाद था प्रसाद पा सकते हैं। है। और सब लोग कम से कम अपने घर में तुलसी पूजा तो कर सकते हैं। तुलसी सूजा तुलसी आया तुलसी खोए

तुलसी पूजा तो कठिन है तुलसी पूजा सरल है कठिन नहीं है आज रोज से हो जाएं और प्रामाणिक चढ़ा देंगे गलोक के और जन्म तुलसी महारानी गोलोक धाम से अवतार लिया तो इससे सो जा स्वर खद पाए तुलसी पूजा सब लोग कर सकते हैं

सुने और हरि नाम श्रवण करे तारा खान दिया संजन हरि नाम कान से हरि नाम श्रवण करेंगे हरि कथा कुछ श्रवण ऐसे हरि कथा कुछ श्रवण करेंगे एवं भक्ति के हरे कृष्ण जाप कीर्तन मुंह से हरे कृष्ण का जाप कीर्तन हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 रे हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 रे हरे हरे राम हरे रामा राम राम हरे तो श्रावण कीर्तन मगे खान श्रावण कीर्तन इस तरह से श्रावण कीर्तन दो हो गया मुंह से कीर्तन किया कान से श्रवण किया इस तरह से हम लोग इंगेज कर सकते भक्तों को आ, ए चले रे। इस तरह पिता माता पुत्र कन्या मिलके दादू दीदी माँ दादू दीदी माँ सब लोग मिलके पति और पड़ोसी और सगे संबंधी तो। सब लोग इضاवे पार्टी देखकर आह भक्तवृक्ष और नाम हट के लोग हरि हाँ नाम साक्षात् ध्यान है हरि नाम श्रवण कीर्तन कर पाए तो सत असलामवा प्रत्यय वाक्ते अंग प्रत्यय वाक्तो पंडित जी जहाँ तक संभव हो भक्ति के प्रत्येक अंग प्रत्येक भक्त अगर प्रतिदिन करने का प्रयास करेंगे तो अनेक शिष्य चाहे तो, था है तो जी मैं सोच रहा था कि बहुत शिष्य लोग हैं जो कभी कभी भूल कर बैठते हैं खिंदत एक दिली भजन सेवा वाली दिगे हाय थाने तार चेतना साथ सुनाए परिश्रम डाले लेकिन अगर इस तरह से भजन अच्छे से करेंगे जो बताया गया भजन कीर्तन तो उनकी चेतना ऊंची रहेगी अच्छी रहेगी हमेशा एवं रखान चला क्या ना सिद्धार्थ शिक्षण हम रखा चाहे तो मैं ये सोच रहा था कि प्रोपाद हमको ये बताया इसके पीछे क्या कारण है सुदाम आरा इन बात देखकर साथ कांग्रेशन संगठनों उपदेश दिया जाते जत्थों संवाद ऐसा सजा तो सब भक्तिविध और कांग्रेसन भक्त और शिष्य वृंद को आ, सब लोग हम चाहते हैं उपदेश दिया जाए कि वो लोग इस तरह से मंदिर से शिक्षा लेके ये सारी चीजें अगर प्रतिदिन करने का प्रयास करेंगे भागवत चैतन्य चाहता कोदी श्रील ने कहा है वो चाहते थे कि हम लोग सब हमेशा भगवत गीता श्रीमद् भागवतम और चैतन्य चरितामृत का अध्ययन करें और मंदिर के पक्षी शास्त्र पाठ बाइबल ऐसा शिकह होत अभी मंदिर की ओर से भक्ति शास्त्रे भक्ति वैभव एक और सब शिक्षा दिया जा रहा है और ताते शासाशान्नस्त्राय खुशियाँ चुन और इन सब कारणों से स्लो प्रोपाद निश्चित रूप से बहुत खुशी हो रहे हैं ऐसा है चिंत का चिना कई दिन आगे इस तरह से मैं सोच रहा था कुछ दिन पहले आता ऐसा

अरे बाप यार सब चिंता कौन? ये सब अभी हमारी चिंता है मैं इस बारे में सब सोच रहा हूँ अभी और ना खींच आओगे पारमार्थिक जगत में कौन आप सब कैसे पारमार्थिक जगत में पहुंच जाएंगे भगवत धाम पहुंच सकते हैं ये मेरा भी चिंता है देवो देवो इस प्रसाद बोलचन इसान एकदम जुद्ध राष्ट्र और स्टेज वाल राष्ट्र संघ और स्टेज वाल रोपाद इसको ना चे यूनाइटेड नेशन ऑफ़ द स्पिरिचुअल वर्ल्ड कहा कि इसको यूनाइटेड नेशन का अर्थ क्या होता है युक्त राष्ट्र आध्यात्मिक जगत का युक्त राष्ट्र है इसको एक बड़ा परिवार है शिष्य हम लोग सब अलग अलग गुरु से दीक्षा ले गुरु के शिष्य हैं।

स्वर सा मैं आशा करता हूँ कि सब लोग परस्पर एक दूसरे को सहायता करें और सहयोगिता करें सहयोग प्रभुपात ने कहा था कि आप मुझे कितना प्रेम करते हैं। है प्रास्तव साहजोई दखाने एक प्रमाण हो जाएगा आप एक दूसरे को कितना सहयोगिता करेंगे कॉपरेशन करेंगे इससे प्रमाण होगा कि आप मुझे कितना प्रेम करते हैं डीवो। 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 अरे वाह एडिम एडिम वही जो है क्या खता पाए कलकत्ता में करीब डेढ़ करोड़ लोग रहते हैं है भगवान शिक्षा जबाई साक्षण सब लोग भगवान की शिक्षा प्राप्त कर सके इसलिए हमें सबको प्रयास करना है और इसमें सहायता करना है श्री चैतन्य महाप्रभु वंदन हमें वाक्ति दिखो चैतन्य महापुन कहा कि मैं स्वयं हूँ भक्ति का वृक्ष एवं अमयवाकार और मैं खुद ही उसका माली हूँ हूं तो उसको पानी देने वाला हमें वाक्ति दिखो फल और सिद्ध अरे

किसको फल मिल रहा है कि किसको नहीं मिल रहा है ये भी मुझे मन में भ्रम रह जाएगा और इसलिए मैं सबको आज्ञा दे रहा हूँ फल आए फल देगा इसलिए प्रेम फल सब व्यक्ति को जिसको भी मिलता है उसको कृष्ण प्रेम फल का वितरण करिए कर मेरा आज्ञा है एकदम चैतन्य महाभ पार्षद अखाजी साकरी जहाँ डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट था खाची बोलते एक जन चैतन्य महाभ का पार्षद है था वो काजी के पास गया वो जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट था उसके पास गया अनेक अनेक प्रभावशाली और वो काजी बहुत प्रभावशाली सुंदर, सुंदर। वो भक्त बहुत सुंदर था और बहुत प्रभावशाली था धन्य और बहुत धन्य भी है धार्मिक धार्मिक भी था बड़ा। और अन्य उनको एक भक्त ने कहा कि मेरा आपके प्रति एक अनुरोध है मैं हाथ जोड़ के आपको एक अनुरोध करना चाहता हूँ आप कर सकता हूँ क्या ठीक है थी। क्या काम है बोले। थी। उसको बहुत पहले प्रशंसा किया वो भक्त ने कि तुम बहुत धार्मिक है धनी है सुंदर है बलवान है फिर बोला अनुरोध है क्या बोलो बोलो क्या क्या करना है हे मेरे प्रिय काजी ऐसा बोल जान ये सब भूल जाओ आ हाँ, हा, हरे कृष्ण बोलो हाँ। और हरे कृष्ण बोलो हाँ। बोलते हरे कृष्ण बोल बोल कल गए मैं हरे कृष्ण कल बोलूंगा और वक्त नाच तो शुरू कर तब वो नाचना शुरू कर दिया बो, बो। हरी बोल अरे बोल अरे बोल अरे आज शुरू आज शुरू हो गया आपका बोलना हरे कृष्ण आप हरे कृष्ण तो मुंह से बोल दिया एक बार में ना। अभी अभी रुक नहीं सकते आप बोलना शुरू हो गया आपका को को अभी बोलते रहे बोलते रहिए हरि बो। हरी बोल जुबा हाँ युवा काल युवक युवक में बहुत लोगों को स्ट्रेस रहता है और आ, बहुत वासना भी रहती है बहुत इच्छा है रहती है अनेक इच्छा बहुत इंद्र करने की इच्छा रहती है उनमे चालीस बीस तीस चालीस वर्ष की उम्र में जाए बहुत जल्दी ये उम्र बीत जाता है आ, ऐसी पंचास वर्ष की उम्र हो जाती है जल्दी से फिर वृद्ध अवस्था आ जाती है तुरंत खिच रोग और कुछ कुछ रोग आने लगते हैं शरीर में फिर, साथ, फिर साथ आ जाता है सत्तर वर्ष होता है फिर जा, रोग। फिर और वृद्ध अवस्था के लक्षण बढ़ जाते हैं और ज्यादा रोग आ जाते हैं फिर कितना दिन बचेंगे तो कर हाँ। तो कर तारा, वो लोग सोचने लगते कि हमने कितना भोग किया पहले, और भालो हाँ। बहुत भोग किया है बहुत अच्छा लगा भोग करके हमको ना। अभी हम कर नहीं पा रहे भोग

वो सुख सीमित है अनित है सुख अट्ठवेगुलंदिर हो इसको रेगुलेट करना है ये इंद्र सुख को उसको शास्त्र के अनुसार करेंगे कम करना है कुछ समय करना है भगवान सेवा जन्म भगवान के समय के लिए कुछ समय रखना है एदो दे असीम आनंद ऐसे करने से असीम आनंद प्राप्त होगा शिक्षा खदा अनेक भक्त नामार्थ वार्ता वार्ता देखकर क्वेश्चन ताईजना ने खुशी तो कलकत्ता में बहुत लोग भक्ति वृक्ष और नामट का प्रचार कर रहे इसलिए मैं बहुत खुशी हूँ एवं तीर्थ स्नान रह के भगवान प्रचार होशी और भगवान का सेवा प्रचार हो रहा है इसलिए मैं बहुत खुशी हूँ हमारे बोलते नीर्दारू प्रचार विस्तार हो अ uh, हमारे गुरुदेव प्रोपाद बता रहे थे कि चैतन्य महापुग का प्रचार कैसे होगा वो आप देखेंगे ट्रस्ट uh, उसके लिए प्रयास अ असीमित अनलिमिटेडली प्रचार करो तो और आज आज जो हरजन थाजन अनेक एकत्रित हो तो इस प्रोपाद के आदेश को पालन करने में आप लोग हमको सहायता कर रहे हैं इसलिए मैं आपका कृतज्ञ हूं अधिक सुख दुख जनक जरिना जगत की सुख आचे की दुख जने जान वाल यदि ये जगत के भौतिक सुख और दुख का अनुभव हो रहा है तो अच्छा है वो अनुभव को काम में लगाएंगे अरसांग में आदत में जगत की आनन्द आच्छे ऐतर जनों और साथ साथ में आध्यात्मिक जगत का क्या आनंद है उसको भी अनुभव करिए एवं कृष्ण नाम दा कृष्ण प्रचार दा कृष्ण सेवा दा की आनन्द आच्छन आच्छे ऐतर अनुभव करो और कृष्ण का नाम जप करने में कृष्ण का नाम का प्रचार करने में कृष्ण की सेवा करने में क्या आनंद मिलता है उसको भी अनुभव करो चैतन्य देव बोल सुनो ये ठाकुर बने ठाकुर सदा हरि बोले डाको चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि आप चाहे गृहस्थ बने चाहे वानप्रस्थ ब्रह्मचारी सनाथ बने कहां भी रहिए लेकिन हरि नाम का प्रचार करें हरि नाम का भक्ति करें हरि के ए भक्ति योगदा अनुग्रह हस्तो ता से भगवान के दाव पर भक्त वृक्ष के द्वारा बहुत ग्रस्त दिवोती भी भगवान का नाम जप कीर्तन करते हैं हाँ अल्लाह देखने आज चलो ए दावे को आनंद रखो तो, तो जहाँ पर भी आप आए वहाँ से कीर्तन कृष्ण का कीर्तन नाम जप करिए और आध्यात्मिक आनंद का अनुभव करिए तो, राखे शिष्टवान राखे ना कृष्ण न तो जीवन जो लोग कृष्ण का स्मरण नहीं करते हैं कृष्ण का नाम जप नहीं करते हैं और कृष्ण की सेवा नहीं करते उनका जीवन व्यर्थ है वहाँ जनो क्यों वो बचे हुए हैं मृत्यु के लिए बचे हुए जन्म और वो लोग लो मरते हैं जन्म लेने के लिए हमारा नित्य शाश्वत जीव हम लोग नित्य शाश्वत आत्मा जीव है ये जीव अनंतशश शश जीव है ये जीवन हमारा अंतिम जीवन होना चाहिए अब प्रोपपाद संग है भगवान शीघ्र सब धाम में गया नित्य से मंदिर जाकर हम लोग प्रपद् के साथ में भगवत धाम में जाकर के भगवान की नित्य सेवा में हम लोगों को लग जाना चाहिए हले राम हले अने की ठगो इन वन्ने ठीके अने का जुदाक बचाए होच्छे ऐ जन्ना जुदाक जुदाती ये आमी गुप्पा ये जन्ना अन्न निजो तो मैं बहुत कृतज्ञ हूँ सबके प्रति और यहाँ पर कलकत्ता में अभी युद्ध प्रचिंग बहुत हो रहा है तो युवक युवती लोग भी जुड़ रहे हैं भक्त वृक्ष में और प्रचार बढ़ रहा है इसलिए मैं बहुत खुशी हूँ

हाँ मैं भाषा में प्रकाश नहीं कर सकता हूँ मैं कितना खुशी हूँ और आप लोग तो कितने मन प्रिय है